खबर मध्य प्रदेश के डिंडौरी से है, जहां एक महिला की अंधी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। चरित्र शंका में पति ने पत्नी की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि एक अज्ञात महिला की लाश देवरी कला गांव की चंदन सिंह धुर्वे के खेत में बने मकान में पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तत्काल पहुंचे और मर्ग कायम कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच में मृतिका की पहचान कंचन लता पति अजय सिंह उम्र करीब 23 साल निवासी बमनी थाना निवास जिला मंडला के रूप में की गई है। इसके बाद पुलिस बमनी गांव पहुंचकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतिका इसी साल रक्षाबंधन के समय अजय सिंह के साथ गांव में आकर पत्नी की तरह रह रही थी। इसके बाद पुलिस ने अजय सिंह को पकड़ा और पूछताछ की। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह अपना जुर्म कबूल कर लिया। अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि वह काम करने बाहर गया था। 7 दिसंबर 2022 को जब घर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी के पास मोबाइल है और रात में वह किसी से बातचीत करती है, जिससे उसने उसकी हत्या की साजिश रची। शाम को वह पत्नी कंचन लता को बाइक में बैठा कर देवरी कला बढ़ईगढ़ रोड पर मौसा चंदन सिंह के खेत में बने मकान पर लेकर गया और नाक में ईंट से वार कर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही पहचान छिपाने के लिए चेहरे को जला दिया। हत्याकांड का खुलासा करने में मुख्य भूमिका में थाना प्रभारी सहपुरा अखिलेश दाहिया, ASI संतोष यादव, चौकी प्रभारी विक्रमपुर संतोष वंशकार, घसीटा लाल रजक, प्रधान आरक्षक सुनहर सिंह और आदि पुलिस बल मौजूद रहे। जिसकी पहचान में जाने की दृष्टि से उसके चेहरे को जलाया गया था और चंदन सिंह जी के खेत के एक कोठार बना हुआ था, उस कमरे में ये लाश पाई गई थी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पूरा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने बारीकी से मुआयना किया। घटनास्थल के देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पे उसी कमरे में उसकी हत्या की गई है और हत्या के पहले आरोपी से इसमें संघर्ष भी होने के निशान मिले थे। मौके पर बारीकी से छानबीन करने पर कुछ पुलिस को भौतिक साक्ष्य मिले थे, जिसमें महिला की चूड़ियाँ हैं, टूटी हुई चूड़ियाँ, कान की बाली और अंगूठी, इस तरह की चीज़ वहाँ पर मौके पर प्राप्त हुई थी, जिसे साक्ष्य के रूप में एकत्र किया गया। इस घटना की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के थानों को, जिलों को दी गई थी, जिस पर से मंडला जिले से एक व्यक्ति की के द्वारा ये सूचना दी गई कि ये जो खबर चल रही है शहपुरा की संभवतः उन्होंने एक नाम बताया कंचन करके, उस महिला की हो सकती है। इसकी तस्दीक करने के लिए तत्काल शहपुरा की टीम वहाँ पर भेजी गई और निवास थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहाँ पे अमर सिंह मार्को नाम, अमर सिंह आर्मो, अजय सिंह आर्मो के बारे में जानकारी मिली कि उनकी पत्नी कंचन है, वो 2-3 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। जब अजय सिंह को तलाश की गई, वो घर पर मिला और जब पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना पुलिस को बताई। कंचन से उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से कंचन अपने ससुराल में रह रही थी। कंचन मूलतः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की रहने वाली है और दोनों का परिचय रायपुर में काम करने के दौरान हुआ था।